Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सीनिक रूट। कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं जिसमें कुछ ही देर बाद एक शख्स खून से लहू लुहान होकर किसी बीहड़ के बीच में बैठा हुआ। कुछ इस तरह से इस कहानी का एंट्रो होता है। अब हम चलते हैं कहानी के स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ पर हम उन्हीं दो लोगों को दोबारा देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो अच्छे दोस्त हैं और ये किसी सफर से लौट रहे हैं या फिर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। इनमें से कार्टर जो कि कार ड्राइव कर रहा होता है उसके साइड में बैठा जॉन जो कि सो रहा था, लेकिन तभी बीच में इनकी कार रुक जाती है तो कार्टर जॉन को उठाता है और फिर खुद बाहर जाकर देखता है। उसे पता चलता है कि शायद इंजन में कुछ गड़बड़ी है। जब जॉन को पता चलता है तो वो भी कार से उतरता है, जिसे हम जान पाते हैं कि उसका एक पैर टूटा हुआ है। वो स्टिक के सहारे चलता है। कुछ देर बीत जाने के बाद जब इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो कार्टर मैप निकालता है और बताता है कि इस समय पर वो लोग सीनिक रूट पर फंस चुके हैं, जहाँ पर किसी भी कार की आवाजाही बहुत ही कम है और इस एरिया में बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये इलाका शहर का सबसे गर्म एरिया है, लेकिन जॉन को यकीन था कि कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आएगा उनकी मदद करने के लिए। फिलहाल के लिए वो पास में एक हिल पर जाने को बोलता है, शायद वहां से इनके फोन को नेटवर्क आ जाए, क्योंकि अभी वो भी गायब हो चुका है। अब इनकी इतना चलते चलते कार्टर उसे उसकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जॉन का हमेशा से सपना रहा है कि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, लेकिन उसका ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो पाया और उसे एक छोटी सी जॉब करनी पड़ी, साथ में उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही है। वहीं दूसरी ओर कार्टर जो कि एक ऑथर बनना चाहता है, लेकिन उसका भी जॉन जैसा ही कुछ हाल है। सभी सुबह उठते हैं और शाम को घर आ जाते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वेल, कहानी प्रेजेंट में आती है और वो ऊपर चट्टान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा, जो जॉन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये रूट तो काफी फेमस है। उसकी जानकारी के मुताबिक तो ऐसे कैसे हो सकता। दोनों वही हिल पर खड़े रहकर आसपास देखते रहते हैं तो कार्टर उसे ऐसे ही बातों बातों में कहता है कि तुम्हें पता है जिस टाइप का तुम म्यूजिक बनाते हो वो तुम्हारी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ना ही तुम्हारे बेटे माइकल को। तो जॉन हंसने लगता है पर कुछ जवाब नहीं देता। इतने में उन्हें एक कार आते हुए दिखाई देती है। जॉन जल्दीबाजी में नीचे उतरने लगता है जिस चक्कर में उसके पैर में हल्का हल्का पेन होने लगता है, पर फिर भी वो कार के जाने से पहले उसे रोक लेता है और अंदर बैठे इंसान को सब कुछ बता देता है। वो उनकी मदद करने के लिए रेडी भी हो गया था, पर तभी कार्टर आकर उसे रोकता है और कहता है कि हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक है। अब जॉन उसकी तरफ देखता है कि वो क्या कह रहा है। उसने तो कहा था कि उनकी कार खराब हो चुकी है। तो कार्टर बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, असल में उसने ही एक वायर को जानबूझकर निकाल दिया था, पर उसकी बातों पर जॉन को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उस कार वाले को जाने नहीं देता जब तक कार्टर फिर से कार को स्टार्ट ना कर दे। वो उस वायर को इंजन में लगा देता है जिससे कि कार फिर से शुरू हो जाती है, और ये देखकर जॉन उस कार वाले से माफी मांगता है और उसे जाने को कहता है। लेकिन अब उसे कार्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत बहस करता और ये सब बेवकूफ़ी करने की वजह पूछता, तो कार्टर बताता है कि वो उसे बस कुछ देर बात करना चाहता था, जो कि उसकी वाइफ की वजह से वो कर नहीं पाता। दरअसल दोस्तों, कार्टर जॉन की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसका कहना है कि उसकी वाइफ के कहने पर उसने अपना पैशन, अपना ड्रीम सब कुछ छोड़ दिया, जो कि म्यूजिशियन बनने का था। उसने वो फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उसने फैमिली के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। अब ये सुनकर जॉन भड़क जाता और कहता है कि तुम्हारे पास तो खुद का घर भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे एडवाइस ना ही दो, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे से पता है। इसी चीज को लेकर दोनों में इतनी बहस हो जाती है कि जॉन हाथापाई पे उतर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सब ठंडा हो जाता है और दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। पर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। इस बारी कार सच में खराब हो जाती है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और जब कार्टर बोनट को खोलता है तो उसमें से धुआं निकल रहा था। फिर क्या था, जॉन का गुस्सा और बढ़ जाता और उसे गालियां सुनाना शुरू करता, क्योंकि उसका कहना था कि उसी की वजह से वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। अगर वो अपना दिमाग ना लगाता और उस वायर को ना निकालता तो वो लोग सही सलामत अपने घर पर होते। अब वो यहीं पर अटके पड़े हैं। अब वो उसके पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, पता नहीं अब कोई उनकी मदद के लिए आएगा भी या नहीं। वो इतने गुस्से में था कि अपनी स्टिक उसके डोर पर फेंक देता और जाकर बीच रेगिस्तान में बैठ जाता। यहाँ कार्टर कार के अंदर बैठा होता है। वो बीच बीच में बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी करके वो कार को ठीक कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन को कार में आना ही पड़ता है क्योंकि ठंड अब ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो आते ही उनका बचा कुचा पानी पी लेता है, यानी कि अब मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। वहीं कार्टर अपने सुबह वाले बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जो कि जॉन एक्सेप्ट कर लेता और एक बारी फिर से दोनों में बातचीत होने लगती है। कार्टर बताता है कि यहाँ से एक टाउन है 70 मील दूर, हमें वहां चलना चाहिए, लेकिन जॉन राजी नहीं था क्योंकि 70 मील बहुत लंबा रास्ता है और इतनी गर्मी में चलना उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। कुछ देर के बाद जॉन कहता है कि तुमने जो सुबह कहा वो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है जिसका पछतावा आज भी मुझे है। वो उसे एली नाम की लड़की के बारे में बताता है, कैसे वो उसे एक मीटिंग में मिला जिसके बाद उसने जुआना जो कि उसकी वाइफ थी उसे चीट किया,
और उसके कई सारे ड्रीम थे लेकिन वो भी उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाए, जिसमें से एक था मोहाक हेयर स्टाइल रखने का। ये सुनकर कार्टर कहता है कि ये ड्रीम तुम्हारा मैं अभी पूरा कर सकता हूँ। वो उसे बाहर लेकर आता है और अपने पास रखे ब्लेड से उसे एक नया हेयर कट दे देता है। जॉन को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर अभी इन्हें प्यास लगना शुरू हो जाती है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो लोग वॉशर फ्लूड को पीकर अपनी प्यास को बुझा लें। पर उसे पीने के बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उस रोड से एक कार गुजरती है जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी थी। वो उनकी कार देखकर वहीं रुक जाती है और हॉर्न मारने लगती है। कार्टर उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और बाहर आकर उसे बताने लगता है कि उनकी कार खराब हो चुकी है। और इतने में जॉन आकर उसकी कार में बैठना शुरू कर देता है, जिससे कि वो लेडी डर जाती है और उसे ये लोग सही नहीं लगते। वो कार लेकर भाग जाती है। फिर क्या था, कार्टर जॉन को उसके इस बिहेवियर की वजह से बहुत सुनाता और कहता है कि इतनी मुश्किल से एक कार आई थी, अब वो भी चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जॉन भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी उसे सबसे पहले वाली गलती याद दिला देता है और कहता है कि अगर तुमने वायर नहीं निकाली होती तो हम लोग अपने घर पर होते। अब ये सब करते हुए और फिर से उन दोनों में बहस हो जाती है और फिर से एक बार बहस हो जाती है और ये बहस इस कदर बढ़ जाती है कि कार्टर अपना बैग लेकर अकेले ही उस टाउन की ओर जाने लगता है जिसका जिक्र उसने रात में किया था। जॉन उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये चीज उसकी जान भी ले सकती है, पर वो नहीं रुकता। तो जॉन एक पत्थर उठाता है और कार्टर की ओर फेंकता है जो जाकर सीधा उसके सर पर लगता है, जिससे कि हल्का सा खून भी आ जाता है। जब कार्टर ये देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आता है और सीधा आकर जॉन को मारना शुरू कर देता है। जॉन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी उसे मारना शुरू कर देता है और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कार्टर जॉन के पैर पर खुद के दांतों से काट लेता है, जिससे कि जॉन उसके ऊपर अपने स्टिक से हमला करता है और इसकी वजह से कार्टर बेहोश हो जाता है। उसके सर में बहुत खून भी बहने लगता है। अब ये देखकर जॉन की फट के फ्लावर हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। वो बहुत कोशिश करता है कि कार्टर कैसे भी करके उठ जाए, पर वो उठ ही नहीं पाता, जिससे कि जॉन को लगने लगा था कि अब वो शायद मर चुका है। इसी वजह से वो उसके लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है ताकि वो उसे दफना सके। पर जब वो उसे घसीट कर ले जा रहा होता है तभी कार्टर को होश आ जाता है। उसे देखकर वो उसे गले से लगा लेता है और उसे माफी भी मांगता है। लेकिन जब कार्टर देखता है कि उसने उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा खोद रखा है तो वो फिर से उसे गुस्सा हो जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद इनका सामना फिर से रात से होता है। ठंड बढ़ चुकी थी। जॉन कार के पीछे वाले हिस्से में सोया हुआ था लेकिन उसे वहां कड़कड़ाहट ठंड लग रही थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जाकर उसी गड्ढे में सोएगा जो उसने सुबह सुबह खोदा था। वहां शायद उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो ऐसा ही करता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। पर जब बीच रात में कार्टर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पीछे जॉन नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आता है और देखता है कि उसी गड्ढे में जॉन सोया हुआ है। वो उसके पास जाता है और उसे कार में चलने को कहता है, लेकिन जॉन कहता है कि यहाँ उसे थोड़ी गर्मी मिल रही है, इसीलिए कार्टर भी उसके साइड में सो जाता है। अब अगले दिन जब सूरज निकलता है तो हम दोनों को अभी भी सोता हुआ देखते हैं, पर इतने में वहां पर एक टो कार गुजरती है जो इनके ट्रक के पास आकर रुकती है। इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस बंदे को उस ट्रक के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे कहां पता था कि इसके अंदर के लोग कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे में सो रहे हैं। अगर वो उतरता तो इन्हें देख सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो कि आप इनकी शक्ल देखकर पता लगा सकते हैं। इन्हें यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी कोई मदद नहीं मिली। जो मिली वो इनकी बेवकूफी की वजह से हाथ से जा चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये लोग पूरे दिन वहीं बैठे रहते हैं लेकिन कोई भी मदद नहीं आती, इसीलिए रात में जब कार्टर सो रहा था तो जॉन उसी मैप को देखता है जिसमें उसे दूर एक छोटा सा टाउन दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जॉन फौरन कार्टर के पास जाता है, उसे इस बारे में बताता है और साथ चलने को कहता है, लेकिन कार्टर नहीं मानता, वहीं रुकने को बोलता है। पर जॉन रुकने वाला तो नहीं था, इसीलिए वो उसे जैसे तैसे करके वहां से उठा लेता और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। जब सूरज निकलता है तो ये ऊंची हिल पर जा चुके थे तो ये ऊंची हिल पर पहुंच चुके थे जहां से जॉन देखता है कि एक ट्रक गुजर रही है उनके ट्रक के पास ही, और तभी वो रुक जाती है। वो असल में टो ट्रक थी जिसके अंदर से एक बंदा निकलता है और इनकी कार को अपनी ट्रक में अटैच करके ले जाने लगता है। अब ये देखकर जॉन उसे आवाज लगाता है लेकिन वो इतनी तेज म्यूजिक बजा रहा था कि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी। इन्हें जाने से पहले कुछ ना कुछ तो निशान या फिर कोई नोट छोड़ देना चाहिए था उस ट्रक पर, ताकि अगर वहां से कोई गुजरे तो उसे पता चल सके कि वो लोग आगे की ओर गए हैं। कोई फायदा नहीं है तो वो उसे लेकर चला जाता है। इनके पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए ये लोग एक दूसरे का सहारा बनकर साथ चलते रहते हैं। ऐसे ही चलते चलते वो दिन भी गुजर जाता है जिसके साथ इन्हें यहाँ पर फंसे हुए अब 7 दिन हो चुके हैं, और तब से लेकर आज तक इन्होंने सिर्फ यूरिन ही पीकर गुजारा किया है, कुछ भी नहीं खाया, और अब दोनों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। अब रात होने पर ये वही थक कर सो जाते हैं
जॉन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक जानवर है। वो फौरन उसे भगा देता है और दोबारा से सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से अपने ये सफर शुरू करते हैं और आधे दिन में ही उन्हें एक उम्मीद दिख जाती है। दरअसल इन्हें कुछ ही दूरी पर कुछ लाइट के खंभे दिख गए थे जिनके साथ साथ ये आगे बढ़ते हैं, जिससे कि इन्हें फाइनली वो टाउन भी मिल जाता है जिसे ये ढूंढ रहे थे। अब उसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सबसे पहले तो पीने का पानी ढूंढते हैं जो कि उन्हें एक टैंक के अंदर मिल भी जाता है, जिसके बाद ये वहां किसी इंसान को ढूंढने लगते हैं जो इनकी मदद कर सके। लेकिन उस टाउन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी तरह की कोई आपदा आई हो। दूर दूर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जॉन का टूटा हुआ फोन रिंग करने लगता है, यानी कि यहाँ पर नेटवर्क मौजूद है। वो फौरन उसे उठाता है जो कि जुआना का था, और वो उसे सब कुछ बताता है कि वो एक रेगिस्तान में फंस चुके हैं। अब ये करते हुए दोनों को बहुत हंसी आ रही थी अपनी बेवकूफी पर। और कुछ ही देर बाद वहां पर हम एक एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं, जहां से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। जुआना जॉन से मिलने आती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसकी जान बच गई, जिसके बाद जॉन अपने घर जाता है। उसने अब कार्टर को भी अपने ही घर में जगह दे दी है और वो दोनों अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और अपनी जॉब को अलविदा कह दिया है। वहीं कार्टर ने भी अब बुक लिखना शुरू कर दिया है। इस हादसे के बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। असली कहानी का मेन ट्विस्ट देखे बिना मत जाएगा। क्या आपने सोचा कि अगर उसकी उस टाउन में लोग इतने साल पहले चले गए या फिर मर गए तो नेटवर्क कहाँ से आ रहे थे? क्या सच में वहाँ कोई था जो इन्हें देख रहा था? यही सवाल जॉन के दिमाग में भी आता है, इसीलिए उसे बहुत बार सही से नींद तक नहीं आती। एक रात तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अचानक से उठ जाता है। कई दिन बीत गए हैं इन्हें वहां से आए हुए, पर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे वो लोग बच गए। इस सवाल को वो कार्टर को फोन करके भी पूछता है, पर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे हुआ ये सब, इतनी आसानी से वो लोग वहां से जिंदा कैसे आ गए। इसी बीच जॉन देखता है कि उसके फोन पर क्रैक पड़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों फंसे थे। दोस्तों हकीकत तो कुछ और ही थी। अभी तक इस कहानी में जो भी कुछ हमने देखा वो सब एक वहम था, एक इमेजिनेशन थी। ये दोनों तो वही उसी गड्ढे में भूख और गर्मी की वजह से मर चुके हैं, और इसके बाद इनका टाउन में जाना, एम्बुलेंस के अंदर घर आना, सब कुछ एक छलावा था। इनमें से कुछ भी सच्चाई नहीं थी, और इसी खतरनाक ट्विस्ट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।